ये राहुल गांधी और इसके बाप दादों को कितनी घृणा थी ओबीसी से, आज बताता हूं मनीष जी, बहुत खुल बहुत सामने उदाहरण है और बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। ये राहुल गांधी बताया कि इसके बाप दादों ने उत्तर प्रदेश में 47 से 90 जब तक इस सरकार रही कांग्रेस की, एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। और एक जो बनना चाहता था चौधरी चरण सिंह, वो पिछड़ों के नेता थे, किसानों के नेता थे, तो आप पार्टी छोड़ के भागना पड़ा, इतना अपमानित किया। और जब जो चौधरी चरण सिंह बने सम्मी सरकार में, तो इस कांग्रेस ने सरकार गिरा दी। उसके बाद जब दूसरा ओबीसी मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को मिला, मैं मनीष जी पहले भी कह चुका हूं कि मैं उनका एक तरह से फैन था, ईमानदार भी थे और योग्य व्यक्ति थे, राम नरेश यादव 79। तो राम नरेश यादव जब इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस कांग्रेस ने गिरा दिया। यानी दो ओबीसी मुख्यमंत्री बने जो गैर कांग्रेसी थे और उनकी सरकारें गिरा दी कुछ इन 11-11 महीने में। और 47 से 90 43 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं तुम्हारे बाप दादों को ओबीसी याद आया? राहुल गांधी पहले अपने बाप दादों को कहे कि वो पापी थे, वो अपराधी थे, दलितों को ओबीसी को हक लूटते थे और उनको बर्दाश्त नहीं होता था। और बताता हूं मनीष, चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो एक जाट इनको नहीं भाया, और इसकी दादी ने या इसके बाप दादों ने राहुल के चौधरी चरण सिंह को लोकसभा में घुसने नहीं दिया था। मनीष जी, चौधरी चरण सिंह एक ऐसा इनके साथ कलंकित इतिहास जुड़ा है कि वो देश के प्रधानमंत्री की शपथ तो उन्होंने ली, लेकिन उन्होंने लोकसभा का मुंह नहीं देखा है एक प्रधानमंत्री के रूप में। वो अपमानित करने वाली कौन थी? यही इसके बाप दादों की पार्टी, राहुल गांधी के जो बाप दादे थे उनके वजह से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री तो लिखे गए, लेकिन वो लोकसभा में नहीं जा पाए। अपमानित करने वाला कौन था? ये कांग्रेस। राम नरेश यादव को उत्तर प्रदेश में अपमानित करके मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने वाला कौन था? कांग्रेस। और अपना जवाब दो कि तुमने 43 साल में क्यों नहीं बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई बैकवर्ड के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, कोई दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और ये को मनीष जी, यह सवाल तो हम लोग अपने कार्यक्रम में पूछ रहे हैं, ये भाजपा को चढ़ के पूछना चाहिए इससे, क्या करते थे तुम्हारे बाप दादे? और उससे महत्वपूर्ण तो कभी मुझे लगता है अलग से समझना पड़ेगा, जगजीवन राम को लेकर के, कैसे जगजीवन राम को। और मनीष जी एक बड़ा ऐतिहासिक बता दूं, राम मनोहर लोहिया अपने किताब में लिख के गए हैं उसको कि इसके बाप दादों ने जाके नेहरू से शिकायत की कि लोहिया हमको गरियाते हैं। नेहरू ने शिकायत की थी जाके वो मोहनदास करमचंद गांधी से, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने बुलाया राम मनोहर लोहिया को। और मैं बता दूं, मैं कहीं और सुनी सुनाई नहीं बता रहा, राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब में वो खुद लिखा है कि नेहरू ने जाके शिकायत की राहुल गांधी के बाप दादे ने, तो कि ये लोहिया जो गरियाते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने बुलाया लोहिया को। तब लोहिया कांग्रेस में ही थे कि क्या क्या बात है, तुम क्यों करते हो, तो क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको जो नेहरू और पटेल से बड़ा नेता डिक्लेयर कर दूं? ये मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा राम मनोहर लोहिया से। तो राम मनोहर लोहिया का मनीष जी जवाब बड़ा ऐतिहासिक है। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि मैं चाहता तो कतई नहीं हूं, लेकिन अगर आप ऐसा कर दोगे तो कुछ गलत नहीं करोगे। तो ये जी हैसियत थी इसके बाप दादों की, और ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक में मिल जाएगा आपको। तो तुम्हारे तुम्हारे बाप दादों ने उस लोहिया को कैसे निपटाया, ये पूरा इतिहास है, एक बड़ा कलंकित इतिहास है उसका। तो पिछड़ों के दुश्मन, पिछड़ों के खिलाफ जहर रखने वाले आदमी, और आज भी तुमको नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए तुम्हारे गले के नीचे नहीं उतर रहा क्योंकि वो गरीब और पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, इसलिए तुम उसकी खिलाफत में नंगे होकर नाच रहे हो, झूठ का रेबार फैले हो, और सिर्फ पंडितों के भरोसे। और रवीश कुमार पांडे पंडित, पुण्य प्रसून वाजपेयी पंडित, अभिषार शर्मा पंडित, ये पंडितों का गिरोह नाम लेता है पिछड़ों का, और एक पिछड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पिछड़ा नेता इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इसीलिए, लेकिन वो और याद दिला दूंगी जी, और रवीश कुमार पंडित, अभिषार शर्मा पंडित, पुण्य प्रसून वाजपेयी पंडित, वो हिंदुस्तान टाइम्स वाला विनोद शर्मा पंडित, ये सारे पंडितों का गैंग एक पिछड़े प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं कर पा रहा। अभी और नैरेटिव पिछड़े का हो रहा अभी हुआ है, और सब इन सभी मुस्लिम और और इस देश के पिछड़ों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। और अभी अभी नाम गिराऊंगा बनी जो आता है एनके सिंह, वो क्या है, वो ठाकुर, वो अजीत अंजू, वो ठाकुर ठाकुर है, भूमियार है, ये सब सवर्ण, ये पूरा सवर्ण गैंग, राजदीप सरदेसाई पंडित, ये सारे सवर्ण गैंग, ये मिलकर एक, क्योंकि पिछड़ा प्रधानमंत्री बैठा है, इन पंडितों ने गैंग बना लिया, और पिछड़ों को चूतिया बनाने के लिए, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए, उनकी आंखों में मिर्चा झोंकने के लिए ये पिछड़ा 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 करते हैं। और जरा पिछड़ों से कहूंगा,
कि देखो जितने ये लोग हैं सब पंडित पंडित ठाकुर लाला ये सब यही लोग हैं, इनमें एक भी पिछड़ा नहीं है, इनमें एक भी पिछड़ा नहीं। ये पंडितों का गैंग नकाब पहन के आया है पिछड़ावाद करने की, और ये अखिलेश यादव भी उन्हीं पंडितों के पीछे घूम रहा है। इसको इसको पिछड़े प्रधानमंत्री से नहीं, पंडितों की चमचागिरी करने में अखिलेश यादव को ज्यादा मजा आ रही है। और ये जो एक नए सिरे से जो वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ वरदराजन पंडित, ये सारे पंडित अभी नाम उसको याद आता जाएंगे तो गिनाता जाऊंगा। तो ये पंडितों का गैंग मिलकर एक पिछड़े प्रधानमंत्री को निपटाने पे लगा है, और ये पिछड़ों को कैसा बेवकूफ बना रहा है, ये क्या कहूं इसको। और ये क्या, ये उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य मतलब कि चूंकि बहुसंख्य है ओबीसी पूरे बांटने के लिए। और बता दूं कि सबसे ज्यादा गाली देने वाली ममता बनर्जी पंडित, राहुल गांधी खुद का जले उधारी पंडित, और दत्तात्रेय ग्राम ब्राह्मण पंडित। तो ये पूरा गैंग है एंटी पिछड़ा पंडितों का गैंग है ये। और ये मैं एक पंडित होकर एक ब्राह्मण होकर मैं कह रहा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि इनके मन की मंशा क्या है। मैं कोई पिछड़ा नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण होकर ये बता रहा हूँ इनका काला चेहरा, इनका काला चरित्र।